लीजेंड को क्रिएट करने के लिए एनोटेशन टैब में जाकर डिटेल कंपोनेंट जो है वहाँ पर जाकर आपको लीजेंड कंपोनेंट पे क्लिक करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको लीजेंड जो यहाँ पर दिख रहा है उस यहाँ पर जाकर न्यू लीजेंड क्रिएट करनी होगी और एक लीजेंड का व्यू क्रिएट होगा। जिस चीज़ के लिए आप लीजेंड का व्यू क्रिएट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर नाम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर लीजेंड है तो आर्किटेक्चर लीजेंड का आपको नाम देना होगा। MEP के रिलेटेड है, HPC की लीजेंड है, पाइपिंग की लीजेंड है तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर नाम देने होंगे। यहाँ पर मैं उसका नाम रीनेम भी कर सकता हूँ। रीनेम करने के बाद मैं यहाँ पर उसका नाम आर्किटेक्ट लीजेंड रखता हूँ। कंपोनेंट के ड्रॉप डाउन में जाकर लीजेंड कंपोनेंट में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर सारी फैमिलीज आएगी। हर एक फैमिलीज का जो लीजेंड कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर से दिखेगा। फॉर एग्जांपल हॉट वाटर मैकेनिकल इक्विपमेंट है तो वो हम MEP के अंदर रखेंगे, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर मैं सिर्फ आर्किटेक्ट का लीजेंड कंपोनेंट रखूँगा, जैसे कि सीलिंग है, कंपाउंड सीलिंग है, कॉलम है, रेक्टेंगुलर 5 फीट का कॉलम है। उसके अलावा डोर है जो सिंगल फ्लश है। ये जो डोर है वो प्लान में चाहिए या एलिवेशन में चाहिए यहाँ पर सिलेक्शन मिस हो गया है, फिर से सिलेक्ट करता हूँ। और इस तरह मैं फ्लोर प्लान सिलेक्ट कर सकता हूँ और अगर चाहूँ तो फ्लोर प्लान की जगह एलिवेशन में फ्रंट भी उसका व्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट सिलेक्ट करके यहाँ पर उसका नाम लिख दूँगा। कंपोनेंट्स को प्लेस करने के बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख दूँगा। लिखने के बाद यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में जाकर या फिर डायरेक्ट एनोटेशन में ही यहाँ पर डिटेल लाइन में ड्रॉ कर दूंगा। डिटेल लाइन ड्रॉ करने के इस तरह मैं अपनी आर्किटेक्चर की लीजेंड, पाइपिंग की लीजेंड, HVAC की लीजेंड यहाँ पर क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ फ्लोर प्लान का अगर कोई सीट क्रिएट की है तो मैं इसे ओपन करूँगा डबल क्लिक करके। और जिस तरह हमने शेड्यूल को ड्रैग किया था उसी तरह हम आर्किटेक्ट की लीजेंड को यहाँ पर से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्लेस देकर उसे प्लेस कर देंगे। अगर उसका एनोटेशन का टेक्स्ट में अगर आपको कम या ज़्यादा करना हो तो हम उसे डबल क्लिक करके यहाँ पर उसका एनोटेशन का स्केल कम या ज़्यादा कर देंगे। स्केल बड़ा करेंगे उसके हिसाब से टैक्स उसकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अगर कस्टम स्केल क्रिएट करना है तो मैं कस्टम में जाऊंगा और 75 ओके। यहाँ पर मैं उसकी बाउंड्री अपडेट कर दूंगा और ये जो टैक्स थे उन टैक्स की प्रॉपर्टीज़ या फिर उनको सिलेक्ट करके उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर दूंगा। इस तरह हम डिटेल कंपोनेंट को यूज़ करेंगे और बाहर आने के लिए मैं अब आउटसाइड डबल क्लिक प्लेस कर दूंगा। करने के बाद भी मैं इसको ड्रैग और मूव करके अप्रोप्रिएट प्लेस पर रख सकता हूँ।
इसके अलावा इस लीजेंड को जब हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर सिंबल्स भी है, आप एक्स्ट्रा सिंबल्स भी प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेक्शन का है, उसके अलावा आप एलिवेशन का सिंबल यहाँ पर टाइप सिलेक्टर में जाकर टाइप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिवेशन में मैं डिटेल नंबर वाला ले रहा हूँ। और भी यहाँ पर जितने भी सिंबल्स दिए गए हैं वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर कॉल आउट हेड है वो सिंबल्स आप डिटेल लीजेंड में यूज कर सकते हैं।